माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान नौगांवा की ओर से माधव गौशाला में बनाए गए सांवलिया सेठ मंदिर में पूर्णिमा के उपलक्ष में उद्यापन करने वाली महिलाओं ने गाजे बाजे के साथ सांवलिया सेठ के जयकारे लगाते हुए 111 कलशों की भव्य कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा का गांव में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यात्रा में पूरा मार्ग सांवलिया सेठ के जयकारों से गुंजायमान होता रहा। यात्रा के समापन के बाद मंदिर परिसर में कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न स्थानों की भजन मंडलियों ने सांवलिया सेठ पर आधारित एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को नाचने झूमने पर मजबूर कर दिया। कीर्तन के पश्चात हवन हुआ, जिसमें आचार्य प्रकाश शर्मा, उपाचार्य किशन लाल शर्मा, पंडित नंदलाल, राजमल, धनराज, नरेंद्र आदि के सानिध्य में सोहनलाल, हजारी गुर्जर, गोपाल जाट, किशनलाल शर्मा, मंजू शर्मा आदि ने सुख शांति की कामना को लेकर आहुतियां दी। मंदिर प्रबंध समिति के संयोजक गोविंद प्रसाद सोडाणी ने कहा कि पूर्णिमा को लेकर दिन भर मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही रही, सभी को प्रसाद भी वितरित किया गया।